रसूख के चलते भाजपा नेता ने जिले में आदिवासी की जमीन की करवा ली रजिस्ट्री। ऐसे ही कई मामले प्रशासन लेकिन सो रहा है। खबर श्योपुर से है जहां सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है, जिसमें जिले के भाजपा नेता ने बिना कलेक्टर के अनुमति की आदिवासी की भूमि अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवा ली है। इसी कांड में अन्य जिले की 3 और लोग भी शामिल हैं। जब मामला उजागर हुआ तो रजिस्ट्रार ने कलेक्टर के संज्ञान में मामला होना बता दिया और कलेक्टर ने भी तुरंत उस रजिस्ट्री के नामांतरण पर रोक लगाते हुए रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र दिया है। जब भाजपा नेता के इस कारनामे के बारे में जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला से सवाल पूछा गया तो वह कलेक्टर से जानकारी लेने का हवाला देकर चुप हो गए। मगर श्योपुर मुरैना लोकसभा के सांसद शिव मंगल सिंह तोमर कहने लगे कि रजिस्ट्री मर्जी से कार्रवाई होगी, इसमें गलत क्या है। मगर सांसद जी ये भूल गए कि आदिवासी की भूमि में मर्जी नहीं, कलेक्टर की अनुमति भी जरूरी होती है। आपकी पार्टी के नेता आदिवासी की जमीन को गैर कानूनी तरीके से अपने नाम करवाना चाहते हैं और यदि बारीकी से जांच की जाए तो ऐसे कई मामले सामने आ जाएंगे। देखिए श्योपुर संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, जो आप जिले में आए हैं सर, आपने कल 2 दिन से खबर देख रहे होंगे सर कि एक भाजपा नेता ने एक आदिवासी की भूमि को गैर कानूनी तरीके से अपने नाम नामांतरण करा लिया, सर क्या कहते हैं इसके बारे में? चूंकि मैं आया हूँ रात को और आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, मैं इसकी पूरी जानकारी क्या है मैं कलेक्टर से जानकारी लेके ही बता पाऊंगा और जल्दी बता दूंगा। दूसरा सर सवाल और है सर, अभी आदिवासी की भूमि को आपके भाजपा नेता ने अपने नाम रजिस्ट्री करा लिया, सर क्या कहते हो, ये अच्छा हो रहा है क्या? कोई किसी की रजिस्ट्री नहीं करा सकता, नहीं रजिस्ट्री की होगी उसने कराई होगी, जबरदस्ती नहीं करा सकता। आदिवासी की भूमि बिना अनुमति के रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती, या तो अनुमति उसने खुद लेके अपनी बेची होगी, उसी ने आवेदन किया होगा। अब जो भी होगा, भारतीय जनता ने पार्टी नेता हो या कोई भी, सामान्यतः जो रजिस्ट्री का मामला है वो स्वयं कोर्ट और न्यायालय के मामले